जी उसको मैं लीड कर रहा था। कोई बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह होती है तो हम लोग नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अच्छा अच्छा नाइस नाइस सर, मैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके हम लोग देखते रहते हैं और दबंग वगैरह तो आपका बढ़ गया है। थैंक यू सो मच। आलोक जी पहला सवाल आपसे है कि आप तो कई सारे डिजास्टर्स देख चुके हैं ईंट ईंट के कारण या फिर बिल्डिंग गिरने के कारण, आप कितना इस ईंट को इतना मानते हैं कि हाँ बिल्डिंग के लिए बहुत सही है? माइक गांधी जी देखिए एक्चुअली मैं इस बारे में एक ही चीज कहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि अगर बिल्डिंग्स बनाने के सारे बाईलाज और कोड्स को सही से फॉलो किया जाएगा तो जान माल की क्षति कम से कम होगी। और अगर जैसे अभी आप बिल्डिंग बना लें, हमने मुमरा में पिछले साल 13 बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई, उसमें हम लोग गए तो ये पाया गया कि बाईलाज फॉलो नहीं करते, सही से नियम का फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से फर्क पड़ता है। और अगर जो ईंट अगर ऐसी है जिसमें फायर प्रूफ है, वेट कम है, तो डेफिनेटली बेटर होगी। लेकिन मैं तो ये संदेश दूंगा कि बाईलाज का फॉलो करें जिससे बिल्डिंगें ही ना गिरें। डेफिनेटली जब मुंबई शहर में आप पहली दफा आते हैं तो सबसे पहले वही होता है कि एक सर पे एक छत हो। मैं भी जब घूमता रहता था तो स्ट्रगल के दौरान में पिंगेस्ट रहता था और अक्सर जब बिल्डिंग्स बनती थी तो मैं सोचता था कि एक विंडो मेरी भी होनी चाहिए और धीरे धीरे उसमें सब लाइट जल जाती थी, पोजेशन हो जाते थे, लेकिन मेरा घर नहीं बनता था। बट फाइनली इट हैपेंड एंड आई थिंक ऑल थैंक्स टू द विशेस, आप दोस्तों की दुआओं से। बट अभी घर है बॉम्बे में और शहर खुद का एक घर लगता है मुझे और आई थिंक दुआएं हैं जो जिसने आज तक इतने साल मुझे शहर में सरवाइव करने दिया। इन लोगों के संग एसोसिएशन कैसा है आपका, किस तरीके से क्या ब्रांड एंबेसडर बन गए इसके? मैं बबलू भाई को काफ़ी समय से जानता हूं और बहुत ही कमाल के इंसान है, मेरे दोस्त हैं और काफ़ी चैरिटी के बहुत काम करते रहते हैं। उन्होंने मुझे इस वेंचर के बारे में बताया ज़रूर था कि एक उन्होंने फैक्ट्री है जिसमें ऐसी ब्रिक्स बना रहे हैं जो दिखने में बहुत अच्छी हैं, लाइट वेटेड हैं और फायर प्रूफ हैं। आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, फिर मैंने देखा भी इसके बारे में और मैंने अभी AV भी देखा जो काफ़ी एक्साइटिंग था। बट आई रियली लव टू नो मोर अबाउट इट, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा और क्या पता लगा सकता हूँ इसके बारे में। बट आई थिंक इट्स ए न्यू टेक्नोलॉजी एंड आई एम श्योर जो कंस्ट्रक्शन को एक नया रूप दे सकती है। आपसे सवाल है कि इतने सारे बॉलीवुड के आपके दोस्त आ रहे हैं, क्या जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें इन लोग का भी कोई घर बुक है? जी इंशाल्लाह होगा, डेफिनेटली। अभी नेक्स्ट जैसे इमरान हाशमी ने कहा था कि मैं बुक करना चाहूंगा, बातचीत होती रहती है काफी लोगों से, कंसेशन पे कुछ बुक होंगे? जी जरूर जरूर, सिर्फ हमारे लिए क्यों, आप लोगों के लिए क्यों नहीं यार, सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। आलोक जी एक सवाल आपसे था, ऐसी कई सारी भट्टी हैं जहाँ पे ईंटें बनते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, पॉल्यूशन फैलते हैं, अभी जब नई एक टेक्नोलॉजी आ गई है, इको फ्रेंडली ईंटें हैं यहाँ पे, इको फ्रेंडली ईंट है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि नेशनल लेवल पे इसे प्रमोट करना चाहिए और आगे लेके जाना चाहिए इस टेक्नोलॉजी को? देखिए इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन एज ए भारत के नागरिक जरूर जिससे पॉल्यूशन कम फैले उसका हमें बढ़ावा करना चाहिए, बाकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है इसके बारे में। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इको सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करती है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं, आई थिंक इसके वजह से कॉस्टिंग भी कम होनी चाहिए। आई थिंक वो बेनिफिट अगर एंड यूजर को जाए तो बहुत ही अच्छा। आई थिंक इट शुड कट कॉस्ट बाय एटलीस्ट 30-40% उसके एंड एनवायरमेंट को न हाथ लगाते हुए, विच इज फैंटेस्टिक। सो आई थिंक इन घरों में रहोगे तो ऐसे लगेगा कि आप जंगल में रह रहे हो, नो बट ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट एंड आई कैन से दैट, क्योंकि आज
यू नो पैरेलल बिजनेस जो मेरा है वो रियल एस्टेट का ही है एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स लाइक दिस क्योंकि ग्रीन सर्टिफिकेशन आज होना सबसे बड़ी बात है सबके लिए. You are a developer and you are into real estate. So how are you promoting and could be probably use karungi? I never call myself a developer. I always call myself an artist because and our renderings or whatever. No, no, no. Yeah, but whatever we are doing is also it should be a work of art only. और जब हम वैसे सोचते हैं तो आई थिंक ऐसे प्रोडक्ट्स का मार्केट में आना बहुत ही बड़ा एडवांटेज है क्योंकि जिन चीजों से यह बनती है यू डू नॉट मैस द एनवायरमेंट एट ऑल यू नो प्रॉब्ली फ्रॉम वेस्ट ऑल्सो यू मेक प्रोडक्ट्स लाइक दैट कलर लुक द स्पीड ओवरऑल इफ यू सी. इसलिए मैं बोलता हूँ कि 20-30% आपका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो सकता है. एट द सेम टाइम आप द बिगेस्ट एडवांटेज कि आप एनवायरमेंट को खराब नहीं कर रहे. सो वेरी गुड वेरी गुड. आपने अपना पहला घर कब खरीदा था? मैं तो आज भी अपने पिताजी के घर में रहता हूँ और उनके साथ ही रहता हूँ तो खुश हूँ वहाँ पर. पहला घर मैंने खरीदा ही नहीं है आज तक. सेकेंड होम मेरा अपना है लेकिन वो भी पिताजी के हाथ से जो भी हुआ है. आई ऑलवेज लिव्ड विद माय पेरेंट्स सो लेकिन मुझे आज भी याद है कि पिताजी छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया करते थे लैमिंगटन रोड में लेकिन चाहते थे कि उनकी बच्चे बड़े हो तो वार्डन रोड जैसे इलाके में ताकि लोग सही मिले उनकी पढ़ाई सही हो. तो उन्होंने दो ही चीज पे ध्यान दिया कि अच्छा माहौल एक अच्छी एनवायरमेंट और एक यू नो एक अच्छी एजुकेशन. और मैं खुद मानता हूं कि इन दोनों चीजों की वजह से मैं आज जो भी हूं मैं हूं. वरना शायद किसी गली के नुक्कड़ पे यू नो मेरा टेम्परमेंट ऐसा था आई वॉज वेरी अग्रेसिव कहीं ना कहीं लाइन भी अलग पकड़ लेता. बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि बच्चे सही माहौल में बड़े हो. यू नो पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं है बच्चे चिल्ड्रन डोंट लिसन टू अस दे आर ऑलवेज वरीड. और मेरा कहना यही है कि डोंट वरी दैट द चिल्ड्रन डोंट लिसन टू यू वरी दैट दे आर वॉचिंग यू. तो जो हम करते हैं वो हमारी बच्चे इम्यूलेट करते हैं और फॉलो करते हैं. तो हमें उनको बोलने से बजाय हम अपने आप को संभाले तो सही है. सो आई थिंक थैंक्स टू माई फादर इन दो चीजों का बिकॉज ही केम व्हेन ही वॉज 9. ना घर था उनके पास गनी बैग पे सोते थे टेबल के नीचे वहां से उन्होंने अपना सब कुछ बनाया. तो आई थिंक दैट इज अ मोस्ट वैल्यू टू मी. या दैट ही गिव्स मी अ स्टेक इन दिस बिकॉज ही इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. तो मेरा यही बोलना है कि बबलू भाई मेरे अच्छे दोस्त है लेकिन लापता है. फिर मैं जब से पेपर मांगा हूँ कि 10-20% तो दे दो यार इसमें लापता. अच्छा आ गए तो आप कमिट कर दो कि दे रहे बोल के पीछे से बोल रहे. बट आई थिंक सिर्फ उसे मेहनत करनी है दैट्स इट. बाकी द प्रोडक्ट विल टेक केयर. बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को संभाल लेते हैं और अपने आप में ऑर्डर्स आती है. आई थिंक इनका प्रॉब्लम ये होगा कि डिलीवरी का प्रॉब्लम होगा न कि ऑर्डर्स का. तो उनको ये देखना है कि जहां भी वो प्रॉमिस करते हैं वो उससे ज्यादा डिलीवर करते हैं. बाकी कुछ नहीं बिकॉज द प्रोडक्ट इज सुपर. अन्ना लास्टली यहां पे सिर्फ मेरा नहीं यहां पे बाकी सबका भी सवाल है कि अगला मैच अभी खेलने जा रहे हैं हम लोग कस्टम से. एक बेनिफिट मैच है और कस्टम्स की टीम है आज. सो आई थिंक आई एम गोइंग फ्रॉम हियर सीधा कलीना जा रहा हूँ मैच खेलने के लिए. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एक्साइटमेंट. मीडिया मैच आपको बोलना है. आप लोग वो दिन जीत के आपने जो चक्का है ना उसके लिए आप लोग बताओ. कभी भी आप ऑलवेज से तो अभी खेलेंगे ना आप बोलो. तो यू कॉल मी आई सेट इट अप. सेट इट अप आसिफ सेट कर लेते हैं. क्या सो वील सेट इट अप. मौसम अच्छा है और हम लोग इस बार खेल भी अच्छे हैं. थैंक यू.